आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। इस वक्त की खबर है जनपद बहराइच से। बहराइच में सरकटी महिला की लाश व बच्चे का शव बरामद। थाना पगरपुर क्षेत्र में 24 घंटे में 4 अज्ञात शव का हुआ बरामद। जिला जनपद बहराइच के पगरपुर थाना क्षेत्र के मधुआपुर ग्राम पंचायत में लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम 100 मीटर दूरी पर चकमार्ग के किनारे रविवार के अपराह्न धान व गन्ने के खेत से एक महिला यूं एक बच्चे का शव बरामद हुआ। महिला का सिर धड़ से अलग, धड़ से 50 मीटर दूरी पर गन्ने खेत में खाद डाल रहे किसान को सिर मिला है। दोनों की गला काटकर हत्या का शव फेंका गया है। खेत में देखने गए यादवपुरी गांव के निवासी एक किसान ने गन्ने का व धान की खेत में महिला और बच्चे का शव देखा। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली गई है। देखते मौके पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना एसओ फगरपुर को दी। महिला व बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। सीओ कैसरगंज कमलेश कुमार व एसओ फगरपुर राजेश कुमार दरबल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी तलाश के बाद महिला का सिरधड़ से 50 मीटर दूरी पर महिला 48 घंटे में लगातार डबल मर्डर थर्राई बहराइच की पुलिस। देखिए पूरी रिपोर्ट अहमद हुसैन के साथ। अभी लगभग एक घंटा पहले जानकारी मिली कि ये माधोपुर और मलुकपुर का बॉर्डर है। यहाँ पे एक औरत का जिसका सर नहीं है और एक बच्चे का, तो उम्मीद यही है कि ये दोनों है आपस में ही, इन लोग का है। और इससे पहले भी कल एक घटना हुई, दो बच्चों की लाश वहाँ मिली गर्दन कटी हुई। तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल इस तरीके से पूछिए मत की है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। इसमें 200 और बरामद हुए हैं, क्या है प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी पुलिस छानबीन कर रही है। ये थाना फकरपुर लगता है, माधोपुर गांव है। इसमें एक महिला की और एक बच्ची का मिला है शव, और जल्दी ही इस घटना का खुलासा करेंगे हम लोग। और सारी टीमें लगा दी गई हैं, 4 टीमें लगी हुई हैं। कुछ हमको लीड्स भी मिले हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी घटना का खुलासा होगा।